हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेनियल कुकीज। आज मैं लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मुगलाई पराठा की रेसिपी। ये बंगाल का फेमस स्ट्रीट फूड में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं मुगलाई पराठा की रेसिपी। सबसे पहले पराठा की डो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है 500 ग्राम मैदा और उसके अंदर एक चम्मच नमक डाल के अब मैं मिला लेती हूँ। जेनरली इसमें मोयन नहीं दिया जाता, इसीलिए मैं ऐसे ही डो बना लेती हूँ। अब इसमें पानी डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अच्छी तरह से मसल के मैंने एक सॉफ्ट डो बना ली है। ये देखिए, डो सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले डो को 2 हिस्से में बांटेंगे और एक हाफ का हम 3 हिस्सा बना लेंगे। यहाँ मैंने एक हाफ ले ली है और इसका मैं 3 हिस्सा बनाऊंगी। आप पराठे के मुताबिक छोटा या बड़ा कर ले। डो को हमने प्लेट पर ले ली है। इनके ऊपर से दे देते हैं 1 चम्मच ऑयल और इसे अच्छी तरह से ऑयल लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बाकी हाफ का भी मैंने ऐसे कर ली है। अब इसे थाली या गीले कपड़े से ढक देंगे। स्टफिंग्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज का प्याज, मैंने फाइनली चॉप कर लिए हैं, 3 इंच जितना अदरक, 1 टमाटर कटे हुए, 1 मीडियम साइज का लहसुन, 5-6 हरी मिर्च और कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते। यहाँ पर है कुछ रोस्टेड मूंगफली। यहाँ पर 100 ग्राम जितना मटन कीमा, जिसे मैंने बॉयल कर ली है, और ये है 250 ग्राम दानेदार येलो ब्रेड क्रम्स। अब ग्राइंडर जार के अंदर हम ले लेंगे ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक के टुकड़े, ये सब हम पेस्ट कर लेते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई बिठा दी है। अब इसमें दे देते हैं 3 टेबलस्पून जितना ऑयल। तेल गरम होने पर हम इसमें दे देंगे कटे हुए प्याज। और इसे थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें हम दे देंगे कटे हुए टमाटर, चिल्ली, अदरक, लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और टेस्ट के लिए 1/2 चम्मच शक्कर। और इन सारे चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारे मसाले को मैंने कुछ देर तक अच्छी तरह से चला ली है। अब इसे कुछ टाइम के लिए ढक देंगे। अब ढक्कन खोल के थोड़ा चला लेते हैं। फिर इसमें हम दे देंगे मटन का कीमा। अब इसमें कीमा ऐड कर देते हैं। कीमा को मैंने बॉयल कर ली थी। इनके जो स्टॉक है वो भी मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं सारे मसाले के साथ। इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक ना ये मसाले के साथ अच्छी तरह से भून जाए।
अब इसमें ऐड कर देते हैं मटन का स्टॉक। मीट का स्टॉक हेल्दी होता है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना, हम इसे यूज कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम में हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक ना इसका सारी पानी सूख जाए। अब हम इसमें दे देंगे येलो ब्रेड क्रम्स। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बाकी की ब्रेड क्रम्स भी हम डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स मिलाने के बाद हम इसमें दे देंगे एक चम्मच गरम मसाला और भुनी हुई मूंगफलियां। आप चाहे तो नारियल के छोटे टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। इन्हें भी मिला लेते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालने वाले हैं धनिया के पत्ते और इन्हें भी मिला देते हैं। अब रेडी है हमारा पराठे की स्टफिंग्स। गैस में पैन बिठा देते हैं और इसमें दे देते हैं तेल और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। एक घंटे बाद हम डो को अब बेल लेंगे। डो के ऊपर हमने ऑयल लगा दी थी, इसीलिए ड्राई नहीं हुआ। बेलने से पहले हम प्लेटफॉर्म को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। पहले हाथों की मदद से थोड़ा डो को हम फैला लेंगे। अब इसे एकदम पतला बेल लेंगे। देखिए मैंने इतना पतला बेल ली है। अब इसका दोनों साइड हम फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेते हैं। यहां मैंने अंडे ले ली है। अब मग में एक अंडा फोड़ लेंगे। अब इसके अंदर हम दे देंगे 2 से 3 चम्मच बनाया हुआ स्टफिंग्स। दे देते हैं थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच छोटा कटे हुए प्याज, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च और थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक। इन्हें अब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मिक्सचर को इसके बीच में हम दे देंगे और चम्मच से इसे फैला देंगे। मिक्सचर को हमने किनारों तक फैला दी है। अब दोनों साइड हम फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसके साइड को हम अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि स्टफिंग्स बाहर ना निकले। पराठे का फोल्डिंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब गरम तेल के अंदर इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं।
मुगलाई पराठा अंदर से कैसा बना है आपको काट के दिखा देते हैं। मुगलाई पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, आपको तो घर में इसे ट्राई करनी ही है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।